फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ वेरी डिलीशियस फिश, दैट इज़ मुश्का फिश। ये आई एम मेकिंग इट इन सदर मार्केट, इस्लामाबाद की सदर मार्केट के रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं ये बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त डिश है, बहुत डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है। तो मैं इसे बना रही हूँ बहुत डिफरेंट स्टाइल में और विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स स्टार्ट ओवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसे लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक इट एंड एन्जॉय इट एट योर होम रेस्टोरेंट स्टाइल, सदर बाज़ार इस्लामाबाद के सदर बाज़ार की रेस्टोरेंट स्टाइल मुश्का फिश। यहाँ पे मैंने 2 होल मुश्का फिश लिए हैं और इस पर डीप कट लगवा लिए। ये देखें इस तरह से ये जॉइन है कंप्लीट। इस तरह से ही रेस्टोरेंट्स में मिलती है यहाँ पे मुश्का फिश, तो इसलिए मैंने इस तरह से ही पीसेस बनवाए हैं। हेड इसका कटवा लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने एक इधर परात ले लिया ताकि मैं मसालों को अच्छे से फिश में मिक्स कर लूं। तो यहाँ पे हमने ऐड करने हैं, यहाँ पे 4 स्पून मेरे पास बेसन है, 4 स्पून बेसन। साथ ही इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 स्पून, टू स्पून कॉर्नफ्लोर। इससे हमारी जो फिश है बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी। आप इसकी जगह राइस फ्लोर भी ले सकते हैं। अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर, सौंठ भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोग इसे ही सी सौंठ कहते हैं। 2 स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून साल्ट लिया है मैंने, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून क्रश्ड कोरिएंडर है, मोटा मोटा इसे क्रश कर लिया है, और 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर है। ये सारे स्पाइसेस इस साइड पे ऐड करेंगे। 1 एग और ब्यूटीफुल से कलर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है। इससे ये होता है कि थोड़ा सा कलर ब्यूटीफुल हो जाता है फिश का फ्राई के बाद। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सब चीज़ों को इधर अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत हो तो ऐड करेंगे हम इधर थोड़ा थोड़ा पानी। यहाँ पर 1.5 स्पून फ़िश मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स टोटली ऑप्शनल। इसे मैं थोड़ा सा फ़िश को स्पाइसी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमने इसमें 2-3 स्पून पानी डालना है और थिक सा बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हमने अपना जो सारे मसाले हैं उसे मिक्स कर लिए और आप देख सकते हैं कि ये थिक है, लिक्विडी बहुत ज़्यादा नहीं है, ताकि ये हमारे फ़िश पे अच्छे से स्टिक हो सके। तो हम अपने फ़िश पे मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं, अंदर बाहर कट्स में हर तरह हमने अच्छे से मसाला इस पे लेप करना है। मसाले को अच्छे से हमने दोनों फ़िश में लेप कर दिए और इसे अब हमने मैरिनेट करना है 6-7 आवर्स बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। जब आपने फ़िश इंजॉय करनी होती है तो 1-2 दिन पहले आप मसाला इस पे लगा के रखें, ताकि इसका ज़बरदस्त सा आप फुल टेस्ट इंजॉय कर सकें। लेकिन ओवरनाइट तो लाजमी इसको मैरिनेट करके रखें। तो मैं बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रखूँगी, और आज मैंने इसमें मसाला लगाया है और कल मैं इसे फ्राई करूँगी। तो इसको हमने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या प्लास्टिक कवर में करके हमने इसे रखना है फ्रिज में, फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए।
ओवरनाइट मैंने फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रखा था और ये ज़बरदस्ती मैरिनेट हो गई है। कोशिश किया करें एक दो दिन पहले ही मसाला मिक्स करके रखें, लेकिन मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने ओवरनाइट करके रखा है। और अब हम इसे करेंगे फ्राई। स्टॉक पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने को रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। पहले हमने हाई फ्लेम में स्टॉक ये ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और अब हमने फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दिया है और हम अपनी फ्रेश फ्राई के लिए रखेंगे। इसमें हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। हमने एक एक करके हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इसे प्रॉपर जगह मिल सके। लो टू मीडियम फ्लेम में हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। जी फ्रेंड, हमारी जो सुपर क्रिस्पी लाहौरी स्टाइल फुल फ्रेश है फ्राइड फिश वो ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। दिस इज़ मुश्का फिश एंड आई मेड इट इन रेस्टोरेंट स्टाइल, फुल क्रिस्पी, फुल ज़बरदस्ती। आप देख सकते हैं कि आप परफेक्टली रेडी हुई है एंड आई एम गोइंग टू सर्व इट विथ गरम गरम नान और ये केचप सॉसेस और सैलड के साथ। ये स्पेशल चटनी है जिसके साथ लाहौरी फ़िश खाते हैं, ये रेस्टोरेंट वाले लाजमी देते हैं। इसकी रेसिपी की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप ज़रूर बनाएं और इसके साथ फ़िश को करें इंजॉय ताकि इसका जो टेस्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाए। तो इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे थम्स अप दें एंड मेक योर कुकिंग ईजी एंड सिंपल विद मी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।